आपको बता दें कि गढ़वा यात्रा के दौरान दो दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिलदाग पंचायत के ग्रामीणों और लाभुकों से संवाद किया था। उसी कार्यक्रम में चेरी पोखर गांव की 12वीं की छात्रा बेबी कुमारी ने अपने घर के माली हालात का हवाला देते हुए सेम से आगे बढ़ने की इच्छा जताई थी और इसके लिए मदद की गुहार लगाई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गढ़वा डीसी रमेश घोलप को बेबी कुमारी की शिक्षा में कोई रुकावट ना हो इसके लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और इसी कड़ी में आज डीसी खुद अधिकारियों की टीम के साथ बेबी कुमारी के घर पहुंचे और उनके परिवार को कई योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी दिए गए। जिला प्रशासन ने बेबी कुमारी को फूले किशोरी समृद्धि योजना और उनकी बहनों को कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना से जोड़ा है। अब कल्याण विभाग के छात्रावास में रहकर बेबी कुमारी आगे की पढ़ाई करेंगी। साथ ही बेबी की मां ललिता देवी को बकरी पालन हेतु मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जोड़ा गया है। साथ ही मनरेगा से 1,45,000 की लागत का पशु शेड भी स्वीकृत किया गया। वहीं बेबी को बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कुमारी के पिता इंद्रेश राम को भी आय आवासीय जाति प्रमाण पत्र नियुक्ति किया गया। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5,00,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। बेबी कुमारी के एक बहन का नामांकन भी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कराया गया। पूरे परिवार ने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार जताया और इस पर डीसी रमेश घोलप ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बेबी कुमारी के पूरे परिवार को योजनाओं से जोड़ा गया और हर एक अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए प्रशासन संवेदनशीलता से काम कर रही है। डीसी सराइल थे, हम वहाँ तिलदाग जाके मिलल थे हेमंत सोरेन सर से, तो वहाँ से हमको मिलल था कि हाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ है, हमको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ कमी हो रहा है, वहाँ से बोला गया कि हाँ हम करेंगे। यहाँ आए सर, डीसी सर बोले कि हमको पढ़ाई खातिर बोल दिए, हेल्प करने खातिर मम्मी का पशु सेट के लिए, बकरी पालन के लिए, पिताजी के होटल के लिए मिल गया 5,00,000 रुपया। आप घर में कोई बोलेगा पैसा नहीं है तुमको पढ़ाने का, उसके चिंता मत करो। आप सभी बच्चों की पूरी पढ़ाई सरकार आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया था हमको कि उस बच्ची की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, इसलिए सारे आवश्यक कदम हम उठाए। तो उसको आज हम लोगों ने उसके घर को मैंने विजिट किया है, ना सिर्फ बेबी कुमारी को बल्कि उसके और 6 बहनें, तो उनकी सबकी भी शिक्षा में कोई रुकावट ना हो इसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। उसके फादर को हम लोगों ने CMEGP में 5,00,000 का लोन स्वीकृत किया है। उसकी मदर को बकरी पालन के लिए बकरियां भी और मनरेगा से प्रशिक्षण भी स्वीकृत किया है। जो बेबी कुमारी है उसको हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति की योजना के साथ उसकी बहनों के साथ जोड़ा है। यहाँ तक हमारे गढ़वा के तिलदाग पंचायत की छात्रा का बात है तो सारी सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, लेकिन उस छात्रा ने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे BSc करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के से उन्होंने आग्रह किया और त्वरित कार्रवाई करने का माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जहाँ तक पढ़ना चाहती है ये बच्ची, इसको पढ़ने में सारी सुविधाएँ इसको उपलब्ध कराई जाए और 48 घंटे के अंदर उस पूरे परिवार को जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं पहले से मिल ही रही थी, लेकिन आगे पढ़ाई में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सर क्या मान सकते बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।